हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल झटपट होम फूड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं हड्डियों का सालन, बेसिकली पाए का सालन। ये हमने ली थी 1.5 किलो हड्डियाँ। इसके अंदर हमने 1 किलो गोश्त ऐड करा है। इसके अंदर हमने 5 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करा है, 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करा है, 2 टेबल स्पून ऑफ लहसुन ऐड करा है। अब हम इसको रख देंगे कुकर के अंदर 50 मिनट्स के लिए। देन फिर हम इसको खोल के इसको भूनेंगे, इसका मसाला बनाएंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। ये रख दिया है हमने अपने कुकर को 50 मिनट्स के लिए। जब इसकी सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी, जब से हम जो इसको नोट डाउन करेंगे 50 मिनट्स के लिए, देन फिर हम इसको खोलेंगे, इसका फिर हम मसाला भूनेंगे। जब तक के लिए छोटा ब्रेक। ये देखेंगे आज हमने कुकर को खोल दिया है और ये हमारी हड्डियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं बिल्कुल। अब हम इस चलते हैं इसके मसाले की तरफ। ये लिए हैं हमने 4 टमाटर स्मॉल साइज के। यह हमने लिए है 1 मिर्ची कट कर ली है, 1 टेबल स्पून ऑफ लहसुन ऐड करा है। ये हमने हल्दी ली है 1 1/2 टीस्पून। यह हमने पिसा हुआ धनिया लिया है 3 टीस्पून। यह हमने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं 2 टीस्पून। यह हमने ली है प्याज 2 नग, इसको ऐसे कट कर लिया है। ये एक हमारे पास बड़ी इलायची है और ये हमारे पास 2 लौंगे हैं, इसको हम पहले फ्राई करेंगे। ये हमने डाली इसमें इसलिए है ताकि इसको हमें पीसनी है एंड में, इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे फिर हम इसको पीसेंगे। ये देखेंगे गाइस, हमने इसके अंदर 1 कप ऑफ ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे फिर हम इसको पीसेंगे। ये निकाल लिए हमने प्याज, अब इसको हमने फैला दिया है ताकि ये कड़क हो जाए। अब हम अपने ये सारे मसाले जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। ये हमने डाल दिए सारे मसाले। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करा है ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो गल जाएं। देन फिर हम इसके अंदर हड्डियाँ ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हड्डियाँ और इसका पानी। ये हमने सारी हड्डियां कर दी हैं इसके अंदर ऐड। अब हम इसको चम्मच चलाएंगे। फ्लेम हमने कर दी है थोड़ी सी तेज, मीडियम से थोड़ी सी तेज कर दी है, फुल भी नहीं है। जो हम अपनी प्याज पीसने जा रहे हैं, ये हो गई है हमारी प्याज, पिस चुकी है ये हमारी प्याज। अब हम इसको ऐड करेंगे मसाले के अंदर। ये देखिए जी, हम अपने मसाले के अंदर ऐड करने जा रहे हैं सारी प्याज। Thank you.
इसको कर देंगे मिक्स। इसको हमने फुल फ्लेम पे कर दिया है ताकि इसमें आ जाए उबाल, खोल जाए, ये खट्टी लग जाए इसके अंदर। टेन पे हम इसका चूल्हा जो है 15 to 10 मिनट्स के लिए हीट पर रख देंगे। ये देखें इसके अंदर खड्डी आना शुरू हो गई है, बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा और आ जाए खड्डी इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसको गार्निश करेंगे। देन फिर हम इसको सर्व करेंगे अपने डिश के अंदर। अब हम इसको रख देते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। हमने इसके अंदर हरा धनिया, गरम मसाला और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे डिश के अंदर। ये तैयार है हमारा मज़ेदार सा पाए का सालन। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, मेरी चीज़ों को ऐसे ही देखते रहिए।